नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं होंडा SP 125 BS6 के बारे में। क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, आज हम इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे। क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात मुझे कमेंट किया है। क्योंकि जो बाइक है इसकी प्राइसिंग बहुत हाई जा रही है, लगभग कहीं कहीं पे इसका बाइक की जो डिस वेरियंट है वो 1 लाख तक टच कर दे रही है। तो लोगों का कहना है कि क्या 125 सीसी में हमको 1 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। कहीं कहीं आपको ये 95-92 तक आपको देखने को मिल जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या ये बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का उनको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, होंडा SP 125 CC सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस बाइक का होंडा कंपनी को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, और इसकी सेलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। और बहुत लोगों का ये कहना है उनके लिए बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दे देंगे, क्या ये आपके लिए बाइक वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। क्योंकि मैं बता दूं, 125 सीसी सेगमेंट में जो आपको ये बाइक फीचर्स ऑफर करती है, आपको और कोई बाइक ऑफर नहीं करती है, ना ही आपको और कोई कंपनी ये सेम फीचर्स ऑफर करती है 125 सीसी सेगमेंट में। मैं आपको बता दूं, इसमें ऑल न्यू आपको ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हो सकता है इसका प्राइस हाई रखा गया हो। अगर मैं ESP टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है इनहेंस स्मार्ट पावर। ये एक साइलेंट स्टार्ट फीचर है, और आपको बस होंडा कंपनी के बाइक में देखने को मिलेगा और होंडा कंपनी की स्कूटी में देखने को मिलेगा। ये आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही साइलेंट स्टार्ट कर देगा, और बिल्कुल आपको साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, और आपके बाइक से सेल्फ रिमूव कर दिया गया है, अब आपकी बाइक में सेल्फ देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात कर लें, क्या इसमें और आपको एडवांस फीचर मिलते हैं जो आपको इस बाइक को दूसरे बाइक से डिफरेंट बनाते हैं 125 सीसी सेगमेंट में। तो वो है LED हेडलैम्प सेटअप। इसका आप LED हेडलैम्प सेटअप दे सकते हैं, आपको इसमें डुअल LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, हाई बीम लो बीम दोनों अलग अलग है। उसके बाद और बात कर लें तो आपको इसमें मैं बता दूं, आपको इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसका पूरा मीटर है वो फुली डिजिटल वाला रहने वाला है, आप देख सकते हैं। आपको इसमें इको मोड, फ्यूल टू एम्प्टी, आपका गियर बताएगा कि आप गाड़ी किस गियर में चला रहे हैं, आपको ऐसे एडवांस फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ, जो बाइक रहने वाली है वो बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छी रहने वाली है। बाइक का लुक देख सकते हैं, बाइक देखने में बहुत ही सही, बहुत अच्छी लग रही है आपको। आप बाइक में कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं निकाल सकते कि बाइक आपको देखने में ख़राब दिखती है। तो बहुत लोग कहना था क्या ये बाइक उनके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो जो इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसका LED हेडलैम्प सेटअप आपने देखा, उसके बाद जो इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखा, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप दे सकते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा उसके बारे में। तो उसके बाद अगर और बात कर लें, आप इस गाड़ी का लुक देख सकते हैं। और उसके बाद जो मेन इसमें एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, ESP टेक्नोलॉजी इनहेंस स्मार्ट पावर, जो इस बाइक का साइलेंट स्टार्ट फीचर है। ये जो चार मेन रीजन्स है, इसके वजह से हो सकता है आपकी बाइक है उसकी जो प्राइसिंग है वो हाई है। तो मैं आपको बता दूं, 125 सीसी में बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत लोग इस बाइक को परचेज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन इसमें सबसे बड़ा आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा, वो है इस गाड़ी का माइलेज। लगभग गाड़ी आपको 60 से 70 तक का माइलेज बिल्कुल ही आराम से निकाल के दे रही है, जिसके वजह से बहुत लोग इस गाड़ी को परचेस कर रहे हैं, और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस इस गाड़ी से मिल रहा है। बहुत लोगों को 70 से 80 तक का भी माइलेज देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि जो ये बाइक है, लगभग अगर मैं प्राइसिंग की सी बात कर लूँ, तो मुझे ये बाइक लगभग 94,000 की पड़ी है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। तो 94,000 क्या इस बाइक के लिए जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, मैं आपको बताऊँ, 95,000 रुपीज़ क्या इसके लिए जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। तो आप फ्रंट में देख सकते हैं, आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसकी जो विजिबिलिटी है ओवरऑल आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर हम नाइट विजन भी इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद इसमें आपको देख सकते हैं, आपको स्पीडोमीटर जो फुली डिजिटल वाला देखने को मिलता है, इसके वजह से इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो हाई हो जाती है। आप देख सकते हैं, आपको इसमें इको मोड देखने को मिलता है, उसके बाद आपको रियल टाइम माइलेज बताता है, फिर आपको गाड़ी आपकी एवरेज बताती है, और भी इसमें आपको गियर बताता है, और भी इसमें आपको बहुत एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, जो आपको 125 सीसी में आपको कोई कंपनी ऑफर नहीं करती है। और जो इसका मीटर है वो बहुत ही एडवांस है, इसलिए हो सकता है इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो हाई चली जाती है। उसके बाद जो आपको ऑल न्यू ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो होंडा की ऑल न्यू टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूँ ESP टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इनहेंस स्मार्ट पावर। ये क्या करता है, ये आपका एक साइलेंट स्टार्ट फीचर है, जो आपकी बाइक को बिल्कुल ही साइलेंट स्टार्ट कर देता है। अब आपके बाइक में सेल्फ नहीं देखने को मिलेगा, अब आपकी बाइक से सेल्फ रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आपको इसमें इंजन किल स्विच भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आपकी बाइक को बार बार कीस ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इंजन किल स्विच का
मदद से आप डायरेक्ट अपनी बाइक को ऑफ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस बाइक को आप देख सकते हैं लुक वाइज आपको देखने बहुत अच्छी लगती है। जो इसके एलॉय में डिजाइनिंग की गई है वो बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छी है। आप इसका एलॉय देख सकते हैं, आपको एलॉय इसके देखने में बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छे लगेंगे। आप कहीं से भी नहीं बोल सकते कि गाड़ी लुक वाइज आपको खराब दिखने में लग रही है। आप इसकी ग्राफिक्स देख सकते हैं, आपको गाड़ी देखने में बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छी लगती है। ओवरऑल लुक वाइज गाड़ी बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छी है और इस प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करती है। और अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लें, कितने में आपको ये ऑन रोड देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं आपको इसमें ओवरऑल दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक डिस्क और एक ड्रम। अगर हम ड्रम वेरिएंट की बात कर लें तो लगभग 87,000 से लेकर 93,000 तक आपको देखने को मिलेगी। हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस होते हैं और अलग अलग उनके प्राइसिंग हैं। और अगर हम इसके डिस्क वेरिएंट की बात कर लें तो लगभग 90,000 से लेकर 98,000 तक आपको देखने को मिलेगी। हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस हैं और उसके हिसाब से इस बाइक देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर आपको ये बाइक 1,00,000 तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं और हर शोरूम के अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ तो मुझे ये बाइक वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि जो इसमें ओवरऑल आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आपको 125cc सेगमेंट में आपको और कोई बाइक ऑफर नहीं करती है। आपको मैंने फीचर्स दो दो बार दिखा दिए हैं, जैसे कि इसका LED हेडलैम्प हो गया, ESP टेक्नोलॉजी हो गई, फुली डिजिटल मीटर कंसोल हो गया, और ये बाइक जो आपको एवरेज दे रही है उसके बाद इसमें आपको जो लुक देखने को मिलता है बहुत अच्छे अच्छे आपको इसमें फीचर्स ओवरऑल देखने को मिलते हैं। तो इसके वजह से हो सकता है जो बाइक की प्राइसिंग है वो 90+ जा रही है। और ये बिल्कुल जो जो आपको इसमें फीचर देखने को मिले हैं वो बहुत ही एडवांस फीचर हैं, जैसे इसके जो डिजिटल मीटर है उसमें आपको बहुत एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये आपको बाइक वैल्यू फॉर मनी लगती है या नहीं लगती है, और आप मुझे रीज़न भी बताइएगा आपको ये बाइक क्यों नहीं वैल्यू फॉर मनी लगी। और अगर आपको बाइक वैल्यू फॉर मनी लगती है तो आपको इसमें सबसे बेस्ट फीचर आपको इसमें क्या देखने को मिलता है जिसके जैसे आपको ये बाइक वैल्यू फॉर मनी लगती है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ओवरऑल आपको बाइक की कैसी लगी, और आप इस बाइक को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।